जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, बर्बरता की गई, आज उसके खिलाफ आप लोग चलने वाले हैं, कितनी देर में शुरू करेंगे आप प्रोटेस्ट अपना और क्या मांगे आप लोग? देखिए, ये लाठी चार्ज जो कल हुई है, पुलिस जो एकदम बेवकूफ जैसा हरकत किए हैं, उसके खिलाफ तो आज हम लोग बंद ये समर्थन करने के लिए रास्ता में निकल रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक तो कड़ी इशू है जो आरजीकर में आप लोग जानते हैं, जो जैसे एक लेडी डॉक्टर को मारा गया है, वही मेन इशू है, वही मेन मुद्दा है, उसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। महिलाओं पर लाठी चार्ज भी किया गया था, एक महिला भी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? कल जो बर्बरता उसके खिलाफ आज बंद का आह्वान किया गया। बंद कल के अनेक छात्र छात्री अरेस्ट हुए थे, छात्ररा तादर एगेंस्ट हमारा पथे नेवेछि, तादरके हमें छेड़े दीते हबे। তারপরে কাদম্বিনী जरा हिंदी में बताइए मुझे कि यहाँ से निकल के आप लोग जाने वाले अगले चौराहे तक आज आप लोग किस तरीके से अपनी बात को आगे पहुँचाना चाहते हैं? बात हम लोग यही पहुँचाना चाहते हैं, जो महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, पुलिस ने जो कल जो किए है, उसी चीज का हम लोग बोलने चाह रहे हैं, दिखाने चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बंद का कितना असर देख पा रहे हैं आप लोग? बंद कितना आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? काफी असर है। रास्ता 10 बजे रहा ऑफिस टाइम है, शाम बजे कम, काफी लोग कम है यहाँ पर, जाम भी कम है यहाँ पर, 10 बजे के समय यहाँ जाम लगा हुआ रहता है। बिल्कुल, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को दिखा दें ये 3 तस्वीरें कि इस समय वहां का क्या हाल है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजार और दुकानें बंद है, एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 12 घंटे का बंगाल बंद। सुमित हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए किस तरीके से सरकारी दफ्तर बंद है, बाजार बंद है, परिवहन सेवा बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से यह सख्त संदेश दिया गया है कि सरकारी दफ्तर अगर लोग नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अभी इस समय वहां क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग जा रहे हैं या किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बंद का जो मिला जुला असर नजर आ रहा है, भगवती मोड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं। संजीव, आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर न सिर्फ जो है कोलकाता पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है भगवती मोड़ पर। किसी भी तरीके की सिचुएशंस अगर बिगड़ती हैं उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जो है मुस्तैद करने की कोशिश हो रही है। और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि सुबह से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शनकारी इसी तरीके से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, और जहाँ इस वक्त मौजूद है बेगोते बोर्ड पर, यहां पर बड़ी संख्या में सुबह के वक्त में भीड़ रहती है। और जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को अपने बंद का समर्थन करने की जो अपील है वो यहां पर कर रहे हैं। जो लोग जो हैं वो इकट्ठा हों, न्याय दिलाएं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। जिस तरीके से विरोध जिस तरीके से पूरी घटना जो है वो सामने आई थी, उसे लेकर लगातार तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और उसी को लेकर ये विरोध यहाँ पर लगातार जो है वो चल रहा है। और आप पूरे बंगाल की, पूरे कोलकाता की अगर बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बाजार जो हैं वो आंशिक तौर पर बंद नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे लगातार दिन आगे चल रहा है, वैसे वैसे जो है वो बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे पर गोली चलाई गई है, 6 राउंड फायरिंग की गई और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। बंगाल बंद और इस दौरान हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें ये भाटपाड़ा से तस्वीर सामने आई, जैसा कि हम पहले लगातार कह रहे थे कि अब आज कम से कम उम्मीद है बंगाल पुलिस का वो रवैया ना देखने को मिले जो कल देखने को मिला था। किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया था प्रदर्शनकारियों पर, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पानी की बौछार की गई थी, और आज एक बार फिर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है हिंसा की। ये भाटपाड़ा की तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। आज बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है, लेकिन कैसे बीजेपी नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। गाड़ी पर आप फायरिंग के गोलियों के निशान देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि करीब 6 राउंड गोली चलाई गई है। तो एक बार फिर बंगाल में कल वाली स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। अब हिंसा की तस्वीरें भी सामने आने लगी है, ये तस्वीरें भाटपाड़ा की आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है। बंगाल बंद के दौरान हिंसा की खबर आ रही है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। यह बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे पर गोलियां चलाई, एक बार नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग चलाने का जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई थी, और इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और देखिए पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया हो, और ये देखो फायरिंग की आवाज भी आपको आ रही होगी कि किस तरीके से 6 राउंड फायरिंग की गई है, टीएमसी समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप।
से तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और जतिन, सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है? नेताओं पर फायरिंग की जा रही है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उन पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं मौजूदा सरकार पर। कल जिस तरीके से हुआ उसी को लेकर आज 12 घंटे का बंद जो है वो किया गया, लेकिन इस बीच भी आप हिंसा की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। नॉर्थ परगना में जिस तरीके से बीजेपी नेता के ऊपर गोलियां चलाई गई, और वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि कैसे पीछे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, तकरीबन 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है, गाड़ी पर भी हमला किया गया। और ऐसी तस्वीर कोलकाता के अंदर भी है, जहां बड़े बाजार से जो हमें जानकारी मिल रही है वहां पर भी कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उनके शीशों को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है इस तरीके की तस्वीरें हम उम्मीद तो नहीं करते कि ऐसी तस्वीरें हैं, क्योंकि उसी को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। लेकिन सड़कों की तस्वीरें भी ऐसी है, आप एक तरफ देखेंगे कि नेताओं पर गोलियां चलाई जा रही है नॉर्थ परगना में, 24 नॉर्थ परगना में, लेकिन उसके बावजूद जो कोलकाता की सड़कें हैं वहां पर सिक्योरिटी टाइट है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतर रहे हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस बंद का समर्थन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग को लेकर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, आम जनता है, कोलकाता की आम जनता है, कल सड़कों पर थी। लेकिन सभी ने देखा सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की तस्वीर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज भी जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका सपोर्ट करें, लेकिन मिल क्या रहा है? आप देखिए नॉर्थ परगना की तस्वीर, जब आप देख रहे हैं 24 परगना की, तो उसमें फायरिंग की आवाज आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही है। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? जो लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता की सड़कों पर है वो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं है? वहां पर क्यों खुलेआम जो फायरिंग है वो की जा रही है? हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन एक आम शख्स, एक आम लोग इसी चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि जब वो सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं तो वो सेफ फील क्यों नहीं कर पा रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये पूरा आंदोलन 8-9 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से शुरू हुआ। उसके बाद जितनी पुलिस हम सड़कों पर देखते हैं उतनी पुलिस उन जगहों पर क्यों नहीं जहां पर अपराध किया जा रहा है? आप तस्वीर देखिए, देखिए सामने आप देखेंगे तकरीबन एक दर्जन जवान आपको बिल्कुल मेरे सामने खड़े होंगे। मेरे वीडियो उज्ज्वल अगर आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं तो देखेंगे तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जवान जो है वो यहां पर आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे, और इसी चौराहे की हर जगह पर आपको इसी तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। सवाल यही है कि जहां पर सूरत है, जहां पर क्राइम है, जहां पर चीजें हो रही हैं, जो तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं जिसमें नॉर्थ परगना में फायरिंग के बाद आपको बैकग्राउंड में, लेकिन जतिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें कल से लगातार हमें देखने को मिल रही है, तो क्या जो भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा? इसी तरीके से वहां की सरकार करेगी जो अब तस्वीरें सामने आ रही है?